हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। इस वीडियो में अपन देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या उसको और कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए आप इधर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नई वीडियो को। इस वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए वे दैट द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या कहना चाहता है लॉ, कि कोई भी कंज्यूमर है उसके पास क्या है, एक लिमिटेड इनकम है। उस लिमिटेड इनकम को वो डिफरेंट कमोडिटीज पे उस प्रकार स्पेंड करे, यानी उस प्रकार खर्च करे कि उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो, मनी के और दूसरी कमोडिटी के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को और क्या कहते हैं अपन, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन और द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी और ग्रूसिन्स सेकेंड लॉ। ये सब अपन किसको बोल सकते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल इक्विलिटी को अपन इन नामों से भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ अजम्पशंस देखते हैं अपन। इसके अजम्पशंस क्या है, द कंज्यूमर इज रेशनल। जो कंज्यूमर है, जो चीज़ कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, एक रेशनल है, मतलब एक समझदार है। उसको क्या चाहिए, हर जो भी चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है उससे मार्जिनल यूटिलिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और कम से कम जितने पैसे वो स्पेंड कर रहा है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके बराबर होनी ही चाहिए। द यूटिलिटी इज मेजरेबल। जो यूटिलिटी है उसको कोई भी चीज़ कंज्यूम करने से मिल रही है वो क्या है, मेजरेबल है, मतलब वो उसको मेजर कर सकता है इन अ फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कॉन्स्टेंट। ये क्या कहना चाह रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। और इसको क्या कह सकते हैं, इनकम मस्ट बी कॉन्स्टेंट। मतलब जब वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है तब उसकी क्या होनी चाहिए, इनकम कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ना बढ़नी चाहिए ना कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है जिसकी इनकम 1000 रुपीज़ है, तब वो 10 रुपीज़ भी स्पेंड करने से पहले क्या करेगा, सोचेगा। और फॉर एग्जांपल उसकी इनकम बढ़ के 100000 रुपीज़ हो जाती है, तब वो 10 रुपीज़ स्पेंड करने से पहले नहीं सोचेगा। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 10 रुपीज़ क्या हो गई, उसकी कम हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन। जो कंज्यूमर की इनकम है, जब भी वो कोई परचेज कर रहा है तब उसके पास इनकम क्या होगी, उसकी गिवन होगी। ठीक है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी आर गिवन। अब जो भी चीज़ वो लेने जा रहा है, कोई भी कमोडिटी वो कंज्यूम करने जा रहा है, उसकी भी प्राइस क्या होगी, गिवन होगी और उसको पता होगी। द लॉ इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ किस पे बेस है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। इस ये वाला चैप्टर अपन ने इससे पिछले वाली वीडियो में कवर किया है। इसमें क्या बताता है कि जैसे जैसे अपन किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने लग जाते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अपन को जैसे जैसे कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज़ लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स गुड किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड अपॉन प्राइस ऑफ वाई गुड किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होनी चाहिए। मतलब एक्स कमोडिटी से मिलने वाली जो भी यूटिलिटी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वाई के बराबर होनी चाहिए। तब ये कौन सी सिचुएशन होगी, बेस्ट सिचुएशन होगी। और इन दोनों, ये दोनों जो भी यूटिलिटी इनसे मिल रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं इसके शेड्यूल, यानी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन यूनिट्स, फिर लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड, और
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड अपॉन प्राइस ऑफ एक्स गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड अपॉन प्राइस ऑफ वाई गुड, और अपन को गिवन क्या है, गिवन क्या है, इनकम, इनकम क्या है उस पर्सन की, 80 रुपीस इनकम गिवन है, और प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है, 10 रुपीस है। प्राइस ऑफ गुड वाई क्या है, 20 रुपीस है। यूनिट कितने कंज्यूम करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वो 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी उसको एक्स गुड से कितनी मिल रही है, 100, 90, 80, 70, 60 और 50। रेगुलर क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, गिरती जा रही है। वाई से कितनी मिल रही है, 160, 140, 120, 100, 80 और यहाँ पे 60। ओके, अब अगर अपन क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इधर मैं आपको एक रफ करके दिखाता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या करना है अपन को, प्राइस ऑफ एक्स करना है, तो क्या हो जाएगा, 100 मार्जिनल यूटिलिटी है, प्राइस क्या है उसकी, 10 है, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे क्या आ गया, 10। वैसे वैसे इसको डिवाइड करते जाएंगे, 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, 8, 7, 6, 5, ठीक है। अब वैसे ही y का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ठीक है। अब अपन ने क्या देखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x गुड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y गुड के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे कौन कौन सी बराबर है, 8 और 8 बराबर है, ये दोनों, 7 और 7 बराबर है, 6 और 6 बराबर है, और 5 और 5 इक्वल है। तो यहाँ इन चार जगह क्या है, 1, 2, 3 और 4, इन चार जगह क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड के बराबर है। अब वो दोनों किन के बराबर होनी चाहिए थी, अपनी इनकम के बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड अपन प्राइस ऑफ एक्स गुड इसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई किसके बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। इसको दूसरी स्लाइड पे समझते हैं, पूरी न्यू पे। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, एक्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, 3, और वाई की 1। फर्स्ट में एक्स की 3 क्वांटिटी और वाई की 1 क्वांटिटी, सेकंड में कितनी कर रहा है, एक्स की 4 क्वांटिटी वाई की 2 क्वांटिटी, थर्ड में क्या कर रहा है, एक्स की 5 क्वांटिटी और वाई की 3 क्वांटिटी, फोर्थ में एक्स की 6 और वाई की 4। अपने पास इनकम कितनी है, इनकम कितनी है, 80 रुपीस। मतलब इंसान अगर वो 80 रुपीस है तो वो जो भी एक्सपेंडिचर करेगा वो 80 रुपीस से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं, एक्स कितनी कंज्यूम कर रहा है, 3, उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपीस, प्लस वाई की कितनी कंज्यूम कर रहा है, 1, उसकी प्राइस क्या है, 20 रुपीस, क्या आएगा, 30 प्लस 20 कितना हो रहा है, 50 रुपीस,
तो ये क्या है 80 से कम है। कंज्यूमर क्या है, रेशनल है, वो क्या करेगा अपनी पूरी इनकम को एक्सपेंड करेगा यानी खर्च करेगा, तो ये क्या है कम है तो ये नहीं होगा। सेकंड क्या है, 4x की है इंटू 10 प्लस 2y की इंटू 20 कितना आया 40 प्लस 40 कितना हो गया 80 रुपीज़। ये बराबर है, एक बार और आगे देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड में क्या है, 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20 यानी 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इतने पास अगर इतनी इनकम उसके पास है ही नहीं तो वो खर्च कैसे करेगा। ठीक है, तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, ये 80 वाला। अब अगर इसमें देखें उसको टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है दोनों गुड से, तो अपन कैसे पता लगा सकते हैं एक्स की वो कितनी कंज्यूम कर रहा है। एक्स की वो कितनी कंज्यूम कर रहा है 4 यूनिट और वाई की 2 यूनिट। एक्स की कितनी 4 यूनिट 1 2 3 4 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 ये किसकी हो गई, एक्स की हो गई। वाई की कितनी कर रहा है 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, वन सिक्सटी प्लस 140 ये क्या हो गया, ये हो गया 340 और ये हो गया 300। टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है उसको 640 की टोटल यूटिलिटी मिल रही है उसको। ठीक है, तो कंज्यूमर किस पे रहेगा, इस पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। और इस पे क्यों नहीं होगा, इस पे कितनी मिल रही है उसको, अगर इस पे देखते हैं फर्स्ट पे, क्योंकि फर्स्ट भी अपन कर सकते हैं क्यों, बाकी उसके अंदर क्या है इनकम अपनी कम खर्च हो रही है, बाकी उससे टोटल यूटिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। अगर इस पे करते हैं तो कितनी मिल रही है 270 मिल रही है एक्स से, और वाई से कितनी मिल रही है 160। टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी 430। टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी उसकी 430। तो टोटल यूटिलिटी इससे कम है, तो कोई भी कंज्यूमर क्या चाहेगा उसकी टोटल यूटिलिटी, उस जो भी चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है उससे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलनी चाहिए, मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो मैक्सिमम किससे मिल रही है, इससे मिल रही है। मार्जिनल यूटिलिटी भी किसके बराबर है, इनकम के बराबर आ रही है, इसलिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देख लिया, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी देख ली, अजम्पशंस देख लिए, टेबल देख ली, टेबल प्रेजेंटेशन देख लिया, कैलकुलेशन भी देख ली, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।